नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के बांदा में पुलिस अधीक्षक से शिकायत करने पहुंची समाजसेवी पत्रकार। समाजसेवी पत्रकार शालिनी पटेल ने कहा कि महिलाओं के साथ विडंबना और गाली देने वाले दिनेश निगम दद्दा की शिकायत करने मगर पुलिस अधीक्षक बांदा ने नहीं सुनी और लौटा दिया। नरेनी सीओ ने 7 पत्रकारों को बिना जांच किए हुए जेल भेजा। लोगों ने लगाया आरोप कि कुछ बालू माफियाओं के दबाव में सीओ नरेनी कर रहे हैं काम। दिनेश निगम दद्दा महिलाओं को गाली देने वाला आज भी जेल से बाहर घूम रहा है। देश का चौथा स्तंभ कहने वाले पत्रकार बंधुओं को बिना जांच की हुए जेल भेजा जा रहा है। संवाददाता हीरमन यादव की रिपोर्ट। दीदी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शालिनी पटेल है, मैं पत्रकार हूँ। और जिस तरह दिनेश निगम दद्दा, ये हमें नहीं पता कि ये पत्रकार है कि वकील है, और ये महिलाओं की अस्मिता पर सवाल उठा रहा, अनाप शनाप की गाली दे रहा है, ऐसे ऐसे शब्द कि हम आप बयां नहीं कर सकते हैं। इसी मर्डर को हम लेकर के पुलिस अधीक्षक बांदा से मिलने गए हैं, लेकिन पुलिस अधीक्षक ने हमें कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया कि जिससे हमें लगे कि हाँ इस व्यक्ति पर कार्रवाई होगी, जबकि ये हिस्ट्री सीटर भी है, पुराना इतिहास भी इसका, आपराधिक इतिहास बांदा से लेकर झांसी तक है, लेकिन इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि कोई कार्रवाई होगी। जिस तरह से उन्होंने हमसे बात किया है और हमें मतलब डांटने की कोशिश की, हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश किया है, लेकिन हम बांदा पुलिस अधीक्षक को बताना चाहते हैं कि आप हमारी आवाज़ नहीं दबा पाएंगे, क्योंकि ये लड़ाई एक महिला की नहीं है, ये लड़ाई पूरे भारत देश की रहने वाली महिलाओं की है, सभी पत्रकार महिलाओं भाइयों को भी है, क्योंकि हम भी बहनें हैं आप लोगों की, तो ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। और मुझे लगता है कि हमारे पुलिस अधीक्षक मिले हुए हैं उस पार्टी से, तभी वो कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरह हमारे पत्रकार भाइयों को बिना जांच किए तुरंत गिरफ्तार किया है, अगर आप निष्पक्ष न्याय करना चाहते हैं बांदा पुलिस अधीक्षक, तो मैं चाहती हूँ कि 2 घंटे के अंदर कर गिरफ्तार करिए, FIR लिख करके, तो मैं आपको समझूँ कि आप महिलाओं की अस्मिता के सवाल उठाने वाले को आप जेल भेज रहे हैं, अन्यथा किसी तरह मिले हुए हैं। जिस तरह से आपने बताया जी, एक वकील भी है पेशे से, क्या आपने बांदा बार एसोसिएशन से अध्यक्ष से मुलाकात की इस बारे में? बिल्कुल, हमने मुलाकात किया, शताब्दी भवन में ये बैठता भी है। तो अध्यक्ष जी का क्या रिस्पांस था? उन्होंने कहा है कि हम इसके साथ नहीं हैं, और हम उनको भी एप्लीकेशन देंगे, वो भी कार्रवाई करेंगे इसको। वो भी कार्रवाई करेंगे। अगर अन्यथा की स्थिति में कार्रवाई नहीं होती तो फिर आप क्या करेंगे? अन्यथा की स्थिति में अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम कम से कम 5,000 महिलाएं ऐसे बांदा SP कार्यालय में ताला लगाएंगे।